मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा सर, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा आप लोगों का। नहीं मैम प्लीज, मैम प्लीज, मैम प्लीज सॉरी, वो आप बंद नहीं कर सकते हो ये सर, बंद नहीं कर सकते आप ना। नहीं सर, नहीं सर, आपने अभी अभी मेरा कंधा पकड़ा है, मेरा कंधा पकड़ा आपने सर, आपने पकड़ा है। ये किस तरीका है आपका? कानपुर के थप्पड़बाज पुलिस का ये वायरल वीडियो देखिए। बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा आप लोगों का। नहीं मैम प्लीज, मैम प्लीज, मैम प्लीज सॉरी, वो आप बंद नहीं कर सकते हो ये सर, बंद नहीं कर सकते आप ना। नहीं सर, नहीं सर, आपने अभी अभी मेरा कंधा पकड़ा है, मेरा कंधा पकड़ा आपने सर, आपने पकड़ा है। थप्पड़ किस हिसाब से मारा आपने मुझे? थप्पड़ किस हिसाब से मारा है? थप्पड़ किस हिसाब से मारा सर? मैम मैम आप थप्पड़ मारा बड़े पापा, थप्पड़ मारा है। मैम ये बताइए, आप दुकानदार को मारेंगे? दीदी बात कर रहे हैं, देखो लीजिए, तुम जितना बोलो ना उससे ज्यादा पैसे बोल सकते हो। मैम पहली बात देखिए, तीन थाने की फोर्स खड़ा करूंगी यहाँ पे। मैडम आपने मरवा लिया, क्या चाहिए? शांत रहिए, शांत रहिए, दिमाग में लगाओ। दरोगा ने दुकान में घुसकर व्यापारी युवक को थप्पड़ मारा। व्यापारी और उसके परिवार वालों ने इस पर एतराज जताया तो दरोगा को कंट्रोल करने के बजाय महिला एसीपी खुद ही आपे से बाहर हो गई। उन्होंने व्यापारियों को बता दिया कि तीन थाने की फोर्स लाकर खड़ी कर दो। जितना बोलो ना उससे ज्यादा पैसे बोल सकते हो। मैम पहली बात देखिए, तीन थाने की फोर्स खड़ा करूंगी यहाँ पे। मैडम आपने मरवा लिया, क्या चाहिए? शांत रहिए, शांत रहिए। कानपुर के थप्पड़बाज पुलिस और महिला एसीपी श्वेता कुमारी का सीसामऊ बाजार का ये वीडियो एक बार फिर देखिए। नहीं मैम प्लीज, मैम प्लीज, मैम प्लीज सॉरी, वो आप बंद नहीं कर सकते हो ये सर, बंद नहीं कर सकते आप ना। नहीं सर, नहीं सर, आपने अभी अभी मेरा कंधा पकड़ा है, मेरा कंधा पकड़ा आपने सर, आपने पकड़ा है। थप्पड़ किस हिसाब से मारा आपने मुझे? थप्पड़ किस हिसाब से मारा है? थप्पड़ किस हिसाब से मारा है सर? मैम मैम आप थप्पड़ मारा बड़े पापा, थप्पड़ मारा है। मैम ये बताइए, आप दुकानदार को मारेंगे? थप्पड़ देने वाला मुझको? दीदी बात कर रहे हैं, देखो लीजिए, तुम जितना बोलो ना उससे ज्यादा पैसे बोल सकते हो। मैम पहली बात देखिए, तीन थाने की फोर्स खड़ा करूंगी यहाँ पे। मैडम आपने मरवा लिया, क्या चाहिए? शांत रहिए, शांत रहिए, दिमाग में लगाओ। सीसामऊ बाजार में व्यापारी को थप्पड़ मारने और धमकाने वाली पुलिस का ये रवैया यही नहीं थमा। सीसामऊ थाने में जब व्यापारी पहुंचे तो वहां एसीपी श्वेता कुमारी ने मीडिया को ही धमकाना शुरू कर दिया। नहीं कर रहे हैं मैम, नहीं बाहर तो नहीं जा सकते। आप मार लो हम लोग को मार लो। नहीं यार, आप बताना नहीं, आप जो आप बात करो। अरे यार खबर थोड़ी बनाने से मना करोगे यार भाई, खबर बनाने से कैसे मना कर सकते हो भाई? नहीं भाई, अरे नहीं, हाथ पे नहीं लगाओ यार, हाथ
पार क्यों लगा रहा हूँ? तो भाई हाथ पार क्यों लगा रहा हूँ ये बताओ भाई, खबर है ना, खबर कर लेना भाई। हाँ तो सीसीटीवी तुम्हारे लगे हैं। ये वायरल वीडियो कानपुर के सीसामऊ थाना क्षेत्र के सीसामऊ बाजार का है। व्यापारियों के मुताबिक बाजार की सड़कों पर दुकानदारों का सामान रखा था। इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए एसीपी श्वेता कुमारी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची। यहां मोहन फुटवियर नाम से दिनेश की दुकान है। पुलिस वालों ने अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस होने लगी। व्यापारी ने कहा कि वो हर तरह से सहयोग करेंगे और इतना कहकर वीडियो बनाने लगा। पुलिस वालों को ये बात नागवार गुजरी। एक दरोगा सुमित कुमार ने व्यापारी को कंधे से पकड़ा तो उसने विरोध किया। इसके बाद दरोगा ने व्यापारी को थप्पड़ मार दिया। हिमाकत ये रही कि ये सारी घटना कई लोगों के मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है। थप्पड़ मारने के बाद दरोगा दुकान से बाहर की ओर चला। व्यापारी और उसके परिवार वालों ने थप्पड़ मारने पर विरोध जताया तो महिला एसीपी श्वेता कुमारी को उन लोगों की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने भी व्यापारियों को सरे बाजार धमकाया कि तुमसे तेज आवाज है मेरी, अभी तीन थानों की फोर्स बुला लो। थप्पड़ मारा बड़े पापा, थप्पड़ मारा शांत रहिए। सीसामऊ बाजार में पुलिस की इस दबंगई के खिलाफ व्यापारी थाने पहुंचे। यहां समझौते की कोशिश के बीच जब मीडिया के लोग पूरे मामले की कवरेज के लिए पहुंचे तो एसीपी श्वेता कुमारी ने पुलिस वालों से कहा कि इन्हें बाहर निकाल। हम बाहर तो नहीं जा सकते, हम लोग मार लो नहीं यार। आप बताना नहीं, आप जो आप बात करो आप बात करो। अरे यार खबर थोड़ी मना करोगे यार भाई, खबर बनाने से कैसे मना कर सकते हो भाई? नहीं भाई, अरे नहीं, हाथ पर नहीं लगाओ यार। हाथ पार क्यों लगा रहा हूँ? तो भाई हाथ पार क्यों लगा रहा हूँ ये बताओ भाई, खबर है ना, खबर कर लेना भाई। हाँ तो सीसीटीवी तुम्हारे लगे हैं। सीसामऊ पुलिस और एसीपी श्वेता कुमारी ने इस असंवेदनशील रवैये के बाद कानपुर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने आनंद फानंद में सफाई दे डाली। कहा कि आरोपी दरोगा को थाने से हटा दिया गया है। आज दिनांक 20/12/2023 को थाना क्षेत्र सीसामऊ में पैदल गश्त के दौरान जब पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों से बातचीत की गई तो उसी बीच दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें एक दरोगा द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आ रही है। इस पर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी पक्षों को बातचीत करने के लिए बुलाया गया और अभी किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है और स्थितियां सामान्य बनी हुई है। कानपुर पुलिस की सरे बाजार दबंगई का ये वीडियो बताता है कि वो सबके साथ अपराधियों जैसा रवैया अपना रही है। वर्दी के रौब में पुलिस वाले पहले तो व्यापारियों को धमकाते हैं, फिर मीडिया से बदसलूकी करते हैं। यूपी पुलिस का दया है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, लेकिन सीसामऊ के पुलिस वाले और महिला एसीपी ने जो कुछ किया उसके बाद पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में। नहीं यार, आप बताना नहीं, आप बात करो। अरे यार खबर थोड़ी मना करोगे यार भाई, खबर बनाने से कैसे मना कर सकते हो भाई? नहीं भाई, अरे नहीं, हाथ पर नहीं लगाओ यार, हाथ पार क्यों लगा रहा हूँ? तो भाई हाथ पार क्यों लगा रहे हो ये बताओ भाई, खबर है ना, खबर कर लेना भाई। हाँ तो सीसीटीवी तुम्हारे लगे हैं।